भागलपुर के ऐतिहासिक मैदान सेंटिस कंपाउंड में देश का 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड के गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की झांकी का भी प्रदर्शनी की गई, जहां भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं झंडोत्तोलन कार्यक्रम समारोह में भागलपुर के डीएम, डीआईजी, एसएसपी, एसडीएम, डीडीसी, सिटी एसपी सहित जिले के कई अधिकारी गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज के ही दिन आजाद भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान द्वारा ही हमारे शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारित होती है। संविधान द्वारा ही भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। वही सरकार द्वारा निर्धारित विकास यात्रा में भागलपुर का विकास गतिमान है। वही भागलपुर के विभिन्न कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में डीएम, डीआईजी, एसएसपी, एसडीएम, नगर निगम के मेयर सहित खंजरपुर में याकूब अंसारी द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने जहां शहीदों को नमन किया, वहीं उन्होंने कहा कि लोग अपने कामों को स्वयं एवं दिल और लगन के साथ करें तो तरक्की होगी। जब आपकी तरक्की होगी तो देश की भी प्रगति होगी। पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परिचारी अकबर है, अब आ रहा है सलामी लगा जिन्हें प्राप्त है और और शान के लिए गोलियों और लाठियों की बौछारों को अपने सीने से लगाया और स्वतंत्रता के अंकुर को अपने हृदय के खून से सींचा। आज के दिन ही वर्ष 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान द्वारा ही हमारी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। संविधान द्वारा भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं को निर्वाचित सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है। सभी उद्योग, सुरक्षा, अंतरिक्ष आदि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विकास की इस यात्रा में भागलपुर जिला भी गतिमान है। मैं आपको विकास की इस यात्रा में भागलपुर की गति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। लोक सेवाओं से शुरू करें तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ आम जनों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चय योजना के घटक स्वयं सहायता योजना के तहत वर्तमान में लगभग 15,000 लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 8,000 लाभार्थियों को 1,38,50,00,000 रुपए का ऋण DRCC यानी के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला जनता दल यू भागलपुर की ओर से संपूर्ण देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये कामना करता हूं कि पूरे देश में भाईचारा के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ पूरा संपूर्ण देशवासी रहे। मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। शीतलहर के कहर के बीच पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड मैदान में घने कोहरे के बीच छोटे छोटे बच्चे अपने अपने गालों पर राष्ट्रीय झंडा को उकेरते दिखाई पड़े।
इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अपने बच्चों के साथ भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें काफी उत्साह दिख रहा था। जीवन जागृति सोसाइटी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि देश के कानून का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई अन्य। सड़क सुरक्षा में हमारी सोसाइटी लगातार कार्य करती है, लोगों को जागरूक करती है। आपसे निवेदन है कि यातायात के सारे नियमों को पालन करें, ओवर स्पीड ओवरटेक करना, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता एवं चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सावधानी रखें। जय हिंद, जय भारत। पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने आवासीय कार्यालय पर झंडा फहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान वहां स्काउट गाइड के तमाम बच्चे, भागलपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सभी लोगों को राष्ट्रीय मिठाई जलेबी व अन्य मिठाइयां दी गई। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज का दिन अपने देश पर गर्व करने का दिन है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी हम सभी याद करते हैं। वही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी देशवासियों को एकजुट करने के लिए न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हम लोग लगातार संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। शर्पर, हम आपके मीडिया बंधु की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं और पूरे भागलपुर वासियों को भी। देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में। और आपको बता दें, ये 1950 में जो संविधान बचा, जिसको आज केंद्र सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और आज के दिन 26 जनवरी है, तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं मोदी की गारंटी है 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 14 में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चे बच्चियों को नहीं मिला। आप लोग को देखना है कि लोकतंत्र बचाना है और आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हैं, अभी असम से होते हुए बिहार 29 जनवरी को आएंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के भारतवर्ष के सभी नागरिकों को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, एक महंगाई कम हो, इसके लिए हम चाहेंगे 26 जनवरी को याद करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबसे आह्वान देशवासियों से करते हैं, आइए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूत करके देश को बचाने का काम करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, न्याय नगर निगम भागलपुर, अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं भागलपुर में भी 75वां गणतंत्र दिवस समारोह विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। वहीं DIG कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर अनुमंडल कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। पीछे ये थोड़ा सा। राष्ट्र सलाम, सलामी सख्त। गणतंत्र दिवस समारोह पर एक प्लाटून आपके निरीक्षण को सलामी सख्त। महात्मा गांधी।